भगवान हमें दुख क्यों देता है, मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ। कहानी गौर से सुनिएगा क्योंकि मैं आंसर आप लोगों से ही पूछूंगा। एक व्यक्ति थे, उनके पास चार चक्का गाड़ी था। उन्होंने चार चक्का गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर रखे हुए थे। एक दिन की बात है, उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि तुम रेलवे स्टेशन जाओ गाड़ी लेकर, वहाँ पर मेरे गेस्ट आए हुए हैं, तुम उनको ले जाओ। ड्राइवर गए, कुछ दूर गए तो उनका बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ने के कारण उनका एक्सीडेंट हो गया, तो गाड़ी जाकर खाड़ी में गिरी, जाकर खाड़ी में गिरी और वो भी भयानक एक्सीडेंट हो गया। तो मालिक ने कहा कि तुम जाओ गाड़ी लेकर, सिर्फ मालिक के इशारों पर गाड़ी चलता था कि तुम जाओ गाड़ी लेकर। लेकर गया ड्राइवर। अब यहाँ से हम आपसे पूछते हैं कि अब बताओ कि वो जो ड्राइवर एक्सीडेंट हुआ तो उसका जिम्मेवार कौन है, मालिक हुआ या ड्राइवर हुआ? तो ऑलरेडी ड्राइवर ही गलती हुई, क्योंकि गाड़ी लेकर गया था ड्राइवर, मालिक ने सिर्फ परमिशन दिया था कि तुम गाड़ी लेकर जाओ, लेकर गया तो ड्राइवर का गलती था, क्योंकि उनके पास सब चीज़ था, गाड़ी था, ब्रेक था, तो ब्रेक लगाया क्यों नहीं, कॉमन सेंस था, क्योंकि वो गाड़ी चलाता था और मालिक तो गाड़ी चलाता नहीं था, वो तो सिर्फ ऑर्डर किया था कि तुम जाओ गाड़ी लेकर, लेकिन लेकर गया था ना ड्राइवर, तो गलती ड्राइवर का था। इसलिए भगवान हम सबका मालिक है और हम ड्राइवर हैं। हमारे पास सोचने समझने की क्षमता है। अगर गाड़ी में ब्रेक ना होती तो मालिक का गलती था, क्योंकि मालिक अपनी गाड़ी का ठीक नहीं कराता। गाड़ी में ब्रेक ना होता तो मालिक का गलती था, लेकिन गाड़ी में ब्रेक था तब ड्राइवर का गलती था। क्या कोई चोर अगर चोरी करता है तो उनको मालूम नहीं होता कि मैं चोरी कर रहा हूँ, ये गलती है? तो भगवान